बच्चों, अब मैं आपको यह बताऊंगी कि यह कार्य आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले बाईं तरफ आप आज की तिथि लिखेंगे। बच्चों, आज की तिथि है 15 सितंबर। इसके बाद दाईं तरफ आप आज का वार लिखेंगे। आज है मंगलवार। उसके बाद हमेशा की तरह एक लाइन छोड़कर आप कहानी का शीर्षक लिखेंगे। बच्चों, हमारी कहानी का शीर्षक है हवा और सूरज। तो आओ बच्चों, हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। नंबर एक, बहुत समय पहले की बात है, तब हवा और सूरज में बहुत मित्रता थी। नंबर दो, एक दिन उन दोनों में बहस हो गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नंबर तीन, उनकी बात एक आदमी सुन रहा था। नंबर चार, वह आदमी उन दोनों से बोला कि जो भी मेरा कोट उतरवा देगा वही बड़ा है। नंबर पांच, उस आदमी की बात दोनों मान गए। नंबर छह, हवा बहुत तेज चलने लगी। नंबर सात, उस आदमी ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया ताकि हवा उसे उड़ाकर ना ले जाए। नंबर आठ, अब सूरज की बारी थी, वह तेज चमकने लगा। नंबर नौ, आदमी को गर्मी लगने लगी। नंबर दस, उसने झट से अपना कोट उतार दिया। नंबर ग्यारह, यह देखकर हवा बोली कि सूरज दादा आप ही बड़े हैं, यह मैं मान गई। शिक्षा, बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस तरीके से आपको यह कार्य साफ और सुंदर लेख में अपनी कॉपी पर करना है।